हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे हैविंग, और इसमें हमने आपको काफी सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं, काफी सारी एक्सरसाइजेस करा दी हैं। आई होप हमने आपको अभी तक इसमें जितना भी पढ़ा है सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज हम इसे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 53। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि एक्सरसाइज में हमारा क्या होता है, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है एक्सरसाइज में हमारा सभी रिवीजन होता है, तो आप एक्सरसाइजेस को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 53 पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 53 में दो पैराग्राफ है, जिसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहले मैं आपको उसको रीड करके करूंगी, उसके बाद में मैं आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना बताऊंगी। ठीक, और जो दूसरा पैराग्राफ है वो छोटा सा ही है, उसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है और इसको मैं आपको रीड करके बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करती हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ, ताकि आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको इजीली समझ सकें। ठीक है, देखिए, डू यू नो दैट वी सेल गुड टायर्स ? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बाय टायर्स इन ए रिपेयर शॉप ? फॉर अवर स्टोर नाउ कैरीज देम ? You can buy them when you are in the store ? Just as you would select silks ? Or something for your house ? Clear? आगे समझ में, तो अब देखिए मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए डू यू हम एक साथ लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से डू और ये साथ में बन गया यू, तो क्या हो गया डू यू नो That we हम एक साथ लिखेंगे। देखिए that we sell, क्योंकि हमारा sell good की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जब हम लाइन पे ये छोटा सा ग बनाते हैं इसको बोलते हैं हम good tires ? यहां मैं आपको समझने के लिए आई का डिप्थोंग लगा दे रही हूं, वरना यहाँ पे हमें डिप्थोंग लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, बट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्या हो गया हमारे टायर्स। इट इज नॉट नेसेसरी, हम एक साथ बनाएंगे, देखिए पूरा इट इज नॉट नेसेसरी, क्लियर फॉर यू टू, क्योंकि हमारा टू बाय, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा बाय टायर्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें डिप्थोंग लगाने के लिए नीड नहीं है, क्योंकि आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन ए, क्योंकि हमारा ए रिपेयर, देखिए रिपेयर, ठीक है शॉप हमारा फर्स्ट प्लेस से स्टार्टिंग होती है, इसकी आउटलाइन भी होगी हमारा शॉप ? ठीक, बाकी देखिए मैं यहाँ पे इसका साइन लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, क्या होगी हमारे शॉप। For our store, देखिए ये हमारा ST और ये R, क्यों गए स्टूडेंट्स हमारा ये स्टोर now carries, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा carries them full stop, okay? You can हम साथ बना देंगे, देखिए you can buy them when, ये देखिए बना हो गया when you are हमारा एक साथ बनेगा, देखिए when you are in the भी हमने एक साथ बना दिया store ? just as देखिए हम एक साथ बनाएंगे, ये देखिए ये हो गया हमारा just और इसी के साथ में क्या हो गया हमारा as, एक साथ क्या बन गया just as you would select हमारा सेकेंड प्लेस में इसकी आउटलाइन बनती है, देखिए हमारा select silks, देखिए silk e का साउंड आ रहा, तो इसकी आउटलाइन हमारी थर्ड प्लेस से स्टार्ट होगी, ठीक, हो गया हमारा सिल्क्स ? और
समथिंग क्या हो गया ये स्टूडेंट्स, समथिंग फॉर योर, देखिए फॉर योर हाउस, हाउस फुल स्टॉप। ओके आगे समझ में, तो ये देखिए मैंने पूरा पैराग्राफ यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। आई होप आपको एक एक आउटलाइन क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं इसको आपको रीड करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ, ताकि आप किसी भी आउटलाइन में अगर अटकते हैं तो उसको आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है देखिए, डू यू नो दैट वी सेल गुड टायर्स क्वेश्चन मार्क, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बाय टायर्स इन ए रिपेयर शॉप कॉमा फॉर अवर स्टोर नाउ कैरीज दैम फुल स्टॉप यू कैन बाय दैम वैन यू आर इन द स्टोर कॉमा जस्ट एज यू वुड सेलेक्ट सिल्क्स कॉमा और समथिंग फॉर योर हाउस फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है बहुत छोटा सा है, जिसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है, अब मैं आपको इसको रीड करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, These tires are good value, comma, and they sell rapidly, full stop. Each of them carries our guarantee, full stop. Clear? अच्छे से आगे ना समझ में, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिक्लेरेशन देती हूँ। हो गया नोट। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज 53 केवल इतनी ही थी, आई होप आपको एक एक आउटलाइन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी आपको कई बार प्रैक्टिस करनी, जब तक आपकी एक एक आउटलाइन क्लियरली नहीं आपको समझ में आ जाती है तब तक आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में जो मैं आपको डिक्टेशन दे रही हूँ आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो डिक्टेशन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी अभी शॉर्ट हैंड कितनी वीक है या कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। Do you know that we sell good tires? Question mark. It is not necessary for you to buy tires in a repair shop, comma, for our store now carries them, full stop. You can buy them when you are in the store, comma, just as you would select silks, comma, or something for your house, full stop. These tires are good value, comma, and they sell rapidly, full stop. Each of them carries our guarantee, full stop. Okay students, so हमारी exercise 53 with dictation complete होती है। I hope आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो students अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियोस हम आपको अपने इसके आगे की एक्सरसाइजेस हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।